भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि 2022 में अप्रैल में कब होगी या फिर चैत्र नवरात्रि 2022 में कब पड़ेगी और शुभ मुहूर्त घट स्थापना कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब होगा वो भी आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके साथ ये भी जानेंगे कि माँ देवी दुर्गा किस पे सवार वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर सुनिएगा। साल भर में नवरात्रि 4 बार मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र और 1 शरदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरुआत हो रही है जो 11 अप्रैल सोमवार तक चलेगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि में माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ विधिवत पूजा करके उनको प्रसन्न किया जाता है। प्रथम यानी पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंड घंटा, चौथा दिन पुष्टमांडा, पांचवे दिन स्कंद माता, छठवे दिन कल्याणी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवे दिन माँ महागौरी और नौवे दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित होता है। फागुन माह की पूर्णिमा के बाद चैत माह की शुरुआत होती है और चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि शुरू होती है। तो इस साल यानी कि 2022 में 2 अप्रैल 2022 को प्रथम चैत नवरात्रि शुरू हो रही है, यानी कि पहला दिन जो कि शैलपुत्री माता का दिन होता है उस दिन घट स्थापना कलश स्थापना किया जाएगा 2 अप्रैल 2022 को। इस साल चैत घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 यानी कि शनिवार की सुबह 6:22 से 8:31 तक रहेगा, यानी कि कुल मिला के 2 घंटे 9 मिनट की अवधि कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त या शुभ घड़ी रहेगी। इसके अलावा घट स्थापना को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:57 तक रहेगा। वहीं प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल 2022 को सुबह 11:53 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2022 को सुबह 11:58 तक खत्म होगा। तो घट स्थापना कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:22 से शुरू होकर 8:31 तक रहेगा। 2 घंटे 9 मिनट की अवधि मिलेगी जिसमें आप माता की कलश स्थापना उनकी स्थापना पूजा पाठ आरंभ कर सकते हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन शैलपुत्री माता को समर्पित होता है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या भोग लगाना है, क्या कैसे पूजा पाठ करना है वो सारी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो जरूर जाके देखिएगा कि वो माता को क्या पसंद है, शैलपुत्री माता को उनको क्या अर्पण करना चाहिए, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई हुई। तो ध्यान से उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आप माता के भक्त हैं, माता की पूजा विधि विधान से करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।